नमस्कार, आज हम एक प्रश्न को समझने की कोशिश करेंगे जो यूपी पीसीएस 2020 के प्रारंभिक परीक्षा में पूछा गया था। प्रश्न था, सिक्किम का भारत में विलय किसने किया? अगर ऑप्शंस पर नज़र दौड़ाएं तो पाएंगे कि अंग्रेज़ों के नाम दिए गए हैं, जो ब्रिटिश भारत यानी जब भारत ब्रिटेन का उपनिवेश था उस समय के गवर्नर जनरल्स हैं। एक बात और ध्यान देने वाली है कि सभी गवर्नर जनरल्स 1857 की क्रांति के पहले के हैं। वही 1857 की क्रांति जिसे स्वतंत्र वीर विनायक दामोदर सावरकर ने भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी। 10 मई 1857 की संध्या को मेरठ में शुरू हुई इस क्रांति की शुरुआत का श्रेय अमर शहीद मंगल पांडे को जाता है। यह क्रांति भारत के इतिहास में एक खास घटना थी जिसे हम भारतवासी कभी भूल नहीं सकते हैं, बल्कि हमारे इतिहास के कालक्रम को निर्धारण का एक मुख्य पड़ाव यह क्रांति ही है। खैर, सिक्किम की बात करें तो सिक्किम भारत की आज़ादी के बाद 16 मई 1975 को पूरी तरह 22वें राज्य के रूप में भारत से जुड़ गया। उस समय देश की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी थीं और तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने भारत के 36वें संविधान संशोधन विधेयक पर हस्ताक्षर कर सिक्किम को भारत का अभिन्न अंग बना दिया। चूंकि अब सिक्किम भारत का अभिन्न हिस्सा है, अतः इस पर सवाल पूछा जाना स्वाभाविक है। चलिए, इस प्रश्न को ध्यान में रखकर हम 1857 की क्रांति के पहले के सिक्किम के इतिहास पर नज़र डालते हैं। सबसे पहले मैप में सिक्किम की लोकेशन को देखते हैं। सिक्किम काफ़ी स्ट्रैटेजिक लोकेशन पर है। हमारे पड़ोसी देश चीन की बुरी नज़र बहुत पहले से इस क्षेत्र पर है। आप सब ने 2017 में डोकलाम विवाद तो सुना होगा। डोकलाम जो इसी क्षेत्र में अपनी पकड़ को मजबूत करने के लिए चीन द्वारा सड़क बनाने से संबंधित था, इस क्षेत्र में अपनी सैनिक उपस्थिति को बढ़ाकर चीन सिलीगुड़ी कॉरिडोर को युद्ध के समय ब्लॉक करने का ख्वाब देखता है। परंतु इतिहास को देखें तो सिक्किम पहले चारों तरफ से चार अलग अलग किंगडम से घिरा हुआ था। पूर्व में भूटान, पश्चिम में नेपाल, दक्षिण में ब्रिटिश इंडिया और उत्तर पूर्व में तिब्बत का क्षेत्र था। आज भी स्थिति वही है। चीन ने तिब्बत पर कब्जा जमा लिया है और अपनी विस्तारवादी नीति के कारण चीन का विवाद लगभग उसके हर पड़ोसी देश के साथ है। 1642 में 3 बौद्ध भिक्षुओं ने तिब्बती मूल के एक राजकुमार को, जिनका नाम फुनसुंग नामग्याल था, सिक्किम का राजा घोषित कर दिया। सिक्किम में राजा को चोग्याल कहा जाता है। इस प्रकार सिक्किम के प्रथम चोग्याल फुनसुंग नामग्याल थे। नामग्याल राजवंश के साथ ही सिक्किम में राजतंत्र की शुरुआत हुई। सिक्किम के भारत में विलय होने तक इसी नामग्याल डायनेस्टी ने यहाँ शासन किया। इस प्रकार 1642 ईस्वी से लेकर 1975 तक कुल 333 वर्षों तक नामग्याल वंश ने सिक्किम पर शासन किया। अब सिक्किम भारत का हिस्सा है और यहाँ प्रजातंत्र है। इस राज्य में मात्र 4 ज़िले हैं जिन्हें दिशाओं के आधार पर नॉर्थ सिक्किम, साउथ सिक्किम, ईस्ट सिक्किम और वेस्ट सिक्किम कहा जाता है। यहाँ एक लोकसभा सीट है और एक ही राज्यसभा सीट है। तीस्ता और रंगीत इस राज्य की मुख्य नदियाँ हैं। वेस्ट सिक्किम में एक शहर है युकसोम, जिसका अर्थ है मीटिंग प्लेस ऑफ द 3 लर्न्ड मॉन्क्स, यानी जो 3 बौद्ध भिक्षु यहाँ पर पहले मिले थे। यह वही जगह है जहाँ पहले चोग्याल फुनसुंग नामग्याल का राज्याभिषेक 1642 ईस्वी में हुआ, यानी सिक्किम की पहली राजधानी युकसोम ही थी। चूँकि चोग्याल तिब्बती मूल के लोग थे और अधिकांश प्रजा नेपाली या भूटानी मूल की थी, अतः नेपाल और भूटान के राजतंत्र लगातार सिक्किम पर आक्रमण करते रहते थे। 18वीं सदी में तो नेपाल के गोरखाओं ने सिक्किम पर अधिकार कर लिया और लगभग 40 वर्षों तक सिक्किम पर नेपाल का शासन रहा। बाद में चीन के किंग डायनेस्टी के सहयोग से सिक्किम में नामग्याल राजवंश का शासन दोबारा स्थापित हुआ। चीन द्वारा सिक्किम की मदद के पीछे एक कारण था। सिक्किम पर अधिकार के बाद नेपाली गोरखा सैनिक तिब्बत पर अधिकार करना चाहते थे। आप सब जानते हैं कि सिक्किम से तिब्बत की चुंबी घाटी में प्रवेश करके
वर्तमान में भी नाथुले दर्रे से चीन अधिकृत तिब्बत में पहुंचा जा सकता है, यानी चीन जाने का रास्ता सिक्किम होकर ही जाता था। और इसी रास्ते पर उस समय भारत पर शासन कर रही ईस्ट इंडिया कंपनी की भी नज़र थी, ताकि चीन के साथ व्यापार के लिए एक मार्ग मिल सके। नेपाली गोरखाओं से परेशान होकर यह मौका सिक्किम ने खुद अंग्रेज़ों को दे दिया और गोरखाओं के विरुद्ध अंग्रेज़ों से हाथ मिला लिया। इधर अंग्रेज़ भी अपने आप को सिक्किम का समर्थक दिखाने के लिए नेपाल से युद्ध करते हैं, जो 1814 से 1816 तक चला, जिसे एंग्लो नेपाल वार कहते हैं, जिसमें अंग्रेज़ जीत गए। इसके बाद नेपाल और अंग्रेज़ों के बीच सुगौली की संधि होती है। इस संधि के तहत नेपाल के लगभग एक तिहाई भूमि पर अंग्रेज़ों का अधिकार हो जाता है। फिर अंग्रेज़ सिक्किम के साथ तितालिया की संधि करते हैं, जिसके तहत नेपाल से प्राप्त सिक्किम के संपूर्ण भूभाग को सिक्किम को 1817 में अंग्रेज़ों द्वारा सौंप दिया जाता है। इसके बदले में अंग्रेज़ सिक्किम से कुछ अधिकार प्राप्त करते हैं, परंतु यह दिखावटी दोस्ती ज़्यादा दिन नहीं चलती है, क्योंकि अंग्रेज़ संधि की शर्तों की आड़ में सिक्किम में भी मनमानी करने लगते हैं। दार्जिलिंग, जो भारत के पश्चिम बंगाल प्रांत में है, तब सिक्किम के राजतंत्र का हिस्सा था। यहाँ के चाय बागानों को अंग्रेज़ों ने भाड़े पर ले रखा था। आगे चलकर इन बागानों पर किराया देने में आनाकानी करनी शुरू कर दी तथा सिक्किम के मोरांग प्रदेश में अवैध ढंग से कर लागू कर दिया। इन सब बातों को लेकर सिक्किम के राजतंत्र से अंग्रेज़ों के संबंध खराब हो गए। संबंधों के इसी कड़वाहट के बीच 1849 में दो अंग्रेज अफसर, सर जोसेफ डाल्टन और डॉक्टर आर्किबाल्ड कैंपबेल, सिक्किम के पर्वतों में बिना अनुमति और सूचना के पहुँच जाते हैं। सिक्किम का राजतंत्र इसे अपनी संप्रभुता पर आघात समझता है और दोनों अफसरों को बंदी बना लेता है। इधर भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल डलहौजी को बहाना मिल जाता है, उसे तो हड़प नीति के आड़ में सिक्किम को भी हड़पने का मौका मिल जाता है। उसने पहले ही 1848 से 1856 तक अपने कार्यकाल में सतारा, जैतपुर, संभलपुर, उदयपुर, झांसी, नागपुर और अवध जैसे कई भारतीय रजवाड़ों को ब्रिटिश इंडिया में मिला लिया था। अतः डलहौजी यह मौका नहीं गंवाता और 1950 में सिक्किम में सेना भेजकर सिक्किम पर अधिकार कर लेता है तथा वहां का राजा एक नाम मात्र का शासक बनकर रह जाता है। अतः प्रश्न कि सिक्किम का भारत में विलय किसने किया, सही उत्तर होगा लॉर्ड डलहौजी। धन्यवाद।